अगर कोई अलग अलग टाइमलाइन पे या तो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने की एबिलिटी रखते हैं तो उनके इमोशन पे भी इसका असर देखने को मिलेंगे। हर बार अलग अलग टाइमलाइन पे या तो अलग अलग यूनिवर्स में ट्रेवल करने के बाद लोग एनवायरनमेंट अलग अलग होंगे तो इनसे जुड़े फीलिंग्स इमोशन भी अलग अलग होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द फ्लैश मूवी के ट्रेलर के बारे में। ट्रेलर के शुरुआत में ही हमको दिखाते हैं कि फ्लैश यूनिवर्स को बसाना चाहता है क्योंकि इस यूनिवर्स में उनके माँ रहती है और वो अपने माँ को खोना नहीं चाहते। वो समझ जाता है समय एक पैटर्न है जो खुद को दोहराता है। जब भी वो दूसरे टाइमलाइन पे चले जाते हैं हर बार उनको अलग अलग लोग परिस्थिति देखने को मिलते हैं। सोच के देखिए, आप और मैं जिस टाइमलाइन में जिस यूनिवर्स पे रहते हैं हम यहाँ पर ही बड़े हुए हैं। हमारे मेमोरीज, दोस्त, फैमिली यहाँ पर है। इन सब मिलके हमारे जिंदगी और हमारे वजूद बनते हैं। लेकिन अगर कोई हर समय अलग अलग दुनिया में अलग अलग टाइमलाइन में एक साथ जीते हैं तो हर यूनिवर्स में हर टाइमलाइन में अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थिति टाइम सेंस होता रहेगा। जहाँ पर उस इंसान के ना मेमोरीज होंगे ना फैमिलीज होंगे ना ही इमोशनल एहसास होंगे। सिर्फ रहेंगे अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थिति जिसमें वो इंसान बिल्कुल अकेला महसूस करेगा क्योंकि ना उसके पास कोई दोस्त है ना उसके पास कोई मेमोरीज है ना उनके पास कोई फैमिली है ना ही इस यूनिवर्स में उनका कोई तजुर्बा है। तो इसलिए वो हर टाइम अलग अलग यूनिवर्स पे ट्रेवल करने के बाद खुद को बिल्कुल ही अकेला महसूस करेगा। ठीक उसी तरह ट्रेलर में हम देख सकते हैं कि फ्लैश के सेहरे पर भी वो दर्द वो तकलीफ झलकते हैं। जिस यूनिवर्स पे फ्लैश के माँ जिंदा है फ्लैश उस यूनिवर्स को और उस टाइम को ठीक करना चाहते हैं। वो हर यूनिवर्स में हर टाइमलाइन पे जाके ठीक करते हैं जिसके कारण उसके लाइफ और उसके यूनिवर्स खराब हुए थे। लेकिन हम लोगों को ट्रेलर देखने के बाद पूरा स्टोरी समझ में आते हैं। फ्लैश अपने यूनिवर्स को ठीक करने की कोशिश में एक ऐसा यूनिवर्स बनाते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंसेस में बैटमैन बदल जाता है। एक अलग इंसान बैटमैन बन जाते हैं। सुपरमैन और खुद फ्लैश के वर्जन भी लड़की बन जाती है। मतलब एक ऐसा यूनिवर्स जहां सुपरमैन भी लड़की है और फ्लैश भी। फ्लैश खुद ट्रेलर में ये बोलते भी है कि अलग लोग अलग दुनिया ऐसे एक पास खींचे आते हैं जैसे मैग्नेट हो। ब्रूस फ्लैश को वार्न करते हैं कि अगर फ्लैश बीते हुए टाइम में जाके शेरखानी करेंगे तो पूरे टाइमलाइन खराब हो सकते हैं जिसका नतीजा बहुत ही बुरे हो सकते हैं। फ्लैश एक ऐसे दुनिया क्रिएट करते हैं जहां पर कोई सुपर हीरो ही नहीं है। बेसिकली इस मूवी के स्टोरी ट्रेलर देख के प्रेडिक्शन करे तो फ्लैश अपने माँ को बहुत प्यार करता था। वो अपने माँ के लिए फैमिली के लिए उसके यूनिवर्स के टाइमलाइन को शेरखानी करते हैं जिसके कारण एक दूसरे टाइमलाइन खोल जाते हैं जो पूरे यूनिवर्स ही अलग है जहाँ पर सारे सुपर हीरो विलेन से हार गए हैं। अब कोई भी सुपर हीरो नहीं बचता। तब वो उस यूनिवर्स को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी उसको पता चलता है कि कोई बहरूपिया बैटमैन बनके लोगों को बसा रहे हैं। इस मूवी में जस्टिस लीग के कुछ सीन को भी लिंक करने वाले हैं और इसमें साफ दिखे जा सकते हैं कि वो क्लार्क के बारे में बोलते हैं क्योंकि अलग यूनिवर्स में अलग टाइमलाइन पे क्लार्क अलग है और जब सुपरमैन जिंदा होते हैं तब उस टाइम पे वो पहले खुद को भी नहीं पहचान पाते। इसीलिए इस मूवी में जस्टिस लीग के कुछ सीन्स को भी लिंक करेंगे और ये दूसरे टाइमलाइन के दूसरे यूनिवर्स के सुपर हीरोज के उसूल और सोच बिल्कुल अलग अलग है। रियल यूनिवर्स के सुपर हीरो से बिल्कुल नहीं मिल खाते। फिल्म के लास्ट में दोनों अलग अलग टाइमलाइन के फ्लैश मिलके प्रेजेंट टाइमलाइन को ठीक करके फिर से नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो प्रेजेंट टाइमलाइन के वजूद ही खत्म हो जाएंगे। तो ये है द फ्लैश मूवी के स्टोरी प्रेडिक्शन। अब फ्लैश फिर से टाइमलाइन को यूनिवर्स को ठीक कर पाते हैं कि नहीं ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेंगे। देखिए, मेरे लिए टाइम ट्रेवल टाइम मल्टीवर्स ऐसे स्टोरी के मूवी सिर्फ एक मूवी नहीं है, इमोशन है। क्योंकि इस टाइप के मूवी देखने के बाद 2-3 दिन के लिए मुझे ये स्टोरी ये विजुअल्स याद आते रहते हैं जैसे ये कोई फिल्म नहीं हकीकत हो और मैं उस फिल्मी दुनिया में खोया रहता हूँ। तो मेरे लिए ये मूवी बहुत ही एक्साइटिंग है। मेरे लिए एक लाजवाब स्वाद की तरह है इस टाइप के स्टोरी और मूवीज। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ।